Hello everyone, I welcome you all once again in this class, in this new session. हमारे fresh बैच है PGT साइकोलॉजी का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक क्लास हमारी हो चुकी है, बीच में अनएक्सपेक्टेड एक ब्रेक आ गया था ड्यू टू इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के कारण मुझे ब्रेक लेनी पड़ गई थी। आई वॉज ऑन मेडिसिन एंड आई एम डूइंग फाइन, मच बेटर, और इसलिए अब मैं पूरी तरह से आपके बीच मौजूद हूँ और सभी तरह से क्लासेस, होपफुली अब कोई ब्रेक इस तरह का दोबारा नहीं आएगा, उम्मीद यही है। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आई कैन सी विजय हैज़ ऑलरेडी ज्वाइंड, हाउ आर यू डूइंग, वेलकम टू क्लास, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी के साथ कुछ स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन हमारा हुआ था, खासकर मनोविज्ञान के विषय के बारे में हमने चर्चा की थी। क्या उसका मुख्य आधार क्या है, परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान का उद्गम किस तरह से किन परिस्थितियों में हुआ, साथ ही साथ हमने देखा कि कौन सी जो विचारधारा है वो प्रमुख रूप से किस तरह के दर्शन शास्त्र से इसकी शुरुआत देखी गई, वो भी हमने जाना। और उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग स्कूल्स क्या हैं, राइट, अलग अलग स्कूल्स यानी कि विचारधाराएं, किस तरह के दृष्टिकोण उभर के आए जिन्होंने मनोविज्ञान के विषय को और प्रबल बनाया, उसको एक विस्तार दिया, एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया जो आज भी अहम माना जाता है, उसकी अहमियत, उसका महत्व आज भी बरकरार है। वो भी एक विशेष तरह का नज़रिया है जो कि पूरी तरह से माननीय है, उसके बारे में हमने बात की। ठीक, तो आज हम उन्हीं दृष्टिकोणों पे और विस्तार से बात करेंगे, उन्हें आगे लेकर जाएंगे, राइट। तो आइए एक बार क्विकली हम इसमें रिकैप कर लेते हैं। एक बार मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, स्क्रीन लॉक हो रहा है, स्क्रीन लॉक होना नहीं चाहिए विजय, ऐसा होता तो नहीं है। आप एक बार अपना फ़ोन, अपनी ऐप को रीस्टार्ट कीजिएगा, रीस्टार्ट इन द सेंस रिफ़्रेश कीजिए अपने फ़ोन को, कोशिश कीजिए फ़ोन को रिफ़्रेश करने की या फिर रीस्टार्ट करने की ऐप। कभी कभी फ़ोन को रीस्टार्ट करना भी सहायक होता है, राइट। हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ विजय, आप कह रहे हैं कि स्क्रीन लॉक हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। स्क्रीन लॉक के लिए अक्सर यही होता है कि आपकी जो ऐप है आप उसे एक बारी फ्रेश रीस्टार्ट करते हैं अपने फ़ोन को, तो वो अगर आप स्क्रीन को रिफ़्रेश करते हैं, ऐप को रिफ़्रेश करते हैं, तो समस्या ख़त्म हो जाती है। एक बार कोशिश कीजिए ऐसा करने का, ऐसा होना नहीं चाहिए। रिफ़्रेश करने से ज़्यादातर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ठीक, सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आशा है आप सभी को आवाज़ क्लियरली आ रही होगी और वीडियो भी पूरी तरह से क्लियर होगा सभी को। सो आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार याद दिला दूं कि आप सभी जो जो इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, यदि आप किसी अन्य बैच में भी एनरोल करना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, सभी प्रकार की जो स्टैटिक जीके हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आती है वो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, और आप किसी भी टीचर का कोड यूज़ करके डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 10% का ऑफ आपको उस पर मिल रहा है। आपको कोड केवल याद रखना है, टीचर के नाम से ये कोड जुड़ा हुआ है, जैसे कि अगर आप हमारा कोड उपयोग में लाना चाहें, जैसे कि मेरा कोड रहेगा AB10, AB10 का उपयोग करके आप स्टैटिक जीके जैसे और भी किसी विषय में यदि आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, किसी और एग्ज़ाम के लिए भी एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको सभी कोर्सेज पे फ्लैट 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। केवल कोड यूज़ करने भर से ही ये डिस्काउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है। आप उसे खुद भी चेक कर सकते हैं, आप उसे खुद भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? SD कैंपस की साइट पर जाकर, SD कैंपस की आप साइट पे विजिट कीजिए या आप ऐप ओपन कीजिएगा और आप बहुत आसानी से, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने सभी प्रकार के जो कोर्सेज हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे। आपको दिखाया जा रहा है ऑप्शन, ड्रॉप डाउन विंडो में आपको टीचिंग एग्जाम सिलेक्ट करना है क्योंकि आप पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी लेवल की तैयारी में ये सभी आपके कोर्सेज हैं। देखिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पीजीटी कोर्सेज भी आपके हैं। यहाँ पर आपको डिस्काउंट अवेलेबल है, सीडीपी के लिए भी आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल है जो कि सभी पेपर्स में आता है। राइट जी, आपके यहाँ आप यहाँ पर अपने एंड पर जरूर चेक कीजिएगा। अगर समस्या बनी हुई है तो डेफिनेटली मैं अपनी टीम को कहूंगी, वो आपसे संपर्क करेंगे। स्टैटिक जीके जो है यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। आपको केवल कोड उपयोग में लाना है, केवल कोड उपयोग में लाना है। किस तरह से करना है, बाय नाउ पे जाएंगे, ठीक, आप यहाँ पे कोर्स ओपन करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे तो आपको केवल कोड अप्लाई करना है। कोड आपको AB10 अगर आप यहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं तो आप बहुत आसानी से आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेक पेमेंट पे आएगा और आपको 10% के डिस्काउंट के बाद जो राशि होगी केवल उतना ही आपको पे करना होगा, ठीक। चलिए आइए देखते हैं अब अपने क्लास में हम वापस आते हैं। सभी बैचेस जो हैं वो स्टार्ट किए जा चुके हैं। पीजीटी साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के, DSSSB स्टार्ट हो चुका है, TRE 4.0, BPSC वो भी शुरू हो चुका है, यूपी पीजीटी साइकोलॉजी भी शुरू हो चुका है और साथ ही साथ UGC नेट भी जल्द ही कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। क्या बात हो गई विजय, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको मनोविज्ञान के कंटेंट से कोई समस्या है? अभी तो हमारी शुरुआत भी नहीं हुई। या आपको ऐप से दिक्कत आ रही है, ऐप में परेशानी है तो बताइएगा। क्लास कैसे करें, क्या आपको ऐप से प्रॉब्लम आ रही है? देखिए विजय, हमारे बैचेस केवल आपने नहीं औरों ने भी लिए हैं, बाकी और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसी कंप्लेंट सुनने में नहीं आई है। जी मैं समझ पा रही हूँ, ऐप से प्रॉब्लम आ रही है। ये यकीन मानिए टेम्परेरी है, बहुत ही छोटी सी बात है, मामूली सी बात है। गिव अस अ डे और टू और आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स ने पहले जब भी इस तरह की समस्या बताई है तो केवल रिफ्रेश करने पे प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है, ठीक। ऐप की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही मामूली है, यकीन मानिए। जब जब स्टूडेंट्स ने ये कहा है वो प्रॉब्लम हल हो गई है और आपकी भी कोई समाधान ज़रूर निकल आएगा। मैं अभी अपनी टीम से कहती हूँ, आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, नॉट टू वरी। बार बार स्क्रीन लॉक हो जा रहा है, मैं अभी कन्वे कर देती हूँ। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, यकीन मानिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको केवल इसमें क्या करना होगा अभी हम बात करते हैं। आपको केवल अपनी स्क्रीन रिफ्रेश करनी है। केवल आपको स्क्रीन रिफ्रेश करनी है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं हो रही है तो जल्द ही हमारे टीम मेंबर ऐप रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपसे जल्द ही जुड़ेंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की। तो देखिए आप सभी जो हैं इस बारे में हम बार बार बात करेंगे। आई एम श्योर आप पीजीटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप ऑलरेडी इन विषयों से आप ऐसा कर चुके हैं, ठीक, और अभी भी लॉक हो रहा है। जस्ट गिव मी अ मिनट, हम इसमें देखते हैं, अभी अभी देखते हैं। आई विल गेट इन टच विद माय टीम एंड दे विल गेट इन टच विद यू। ठीक, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ऑल राइट सो विजय जी, आपकी जो समस्या है वो मैं अभी के अभी अपनी टीम को कन्वे कर चुकी हूँ। सो यू कैन बी रेस्टिंग अश्योर्ड, कोई समस्या आपको नहीं आने देंगे। अभी जल्द ही हमारे जो टेक्निकल टीम के सदस्य हैं वो आपसे संपर्क करेंगे और आपकी प्रॉब्लम हल कर दी जाएगी। ठीक, वेलकम रेणुका, बहुत बहुत स्वागत। रेणुका जी, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? क्या आपका भी स्क्रीन इसी तरह से समस्या दे रहा है, लॉक हो रहा है बार बार, क्लास आप देख नहीं पा रहे हैं? यदि ऐसा है तो प्लीज बताइए। इसका मतलब है कोई कॉमन एरर आ रहा है। और आवाज के बारे में बताइएगा कि आवाज क्लियरली आ रही है, वीडियो में कोई समस्या तो नहीं आ रही है? नो, ओके विजय, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रेणुका जी ने अभी अभी जवाब दिया है, शी इज सेइंग नो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, स्क्रीन लॉक नहीं हो रही है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो विजय, आपके साथ आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सभी के साथ नहीं हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। टेक्निकल सपोर्ट आपके लिए पूरा पूरा अवेलेबल है और जल्द ही टीम मेंबर आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, नॉट टू वरी, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। ठीक है, सो 2-3 कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनको करने से प्रॉब्लम चली जाती है। जनरली क्या होता है, कभी कभी डेटा जो है ज़्यादा होता है जिसके कारण आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, बहुत से मल्टीपल इश्यूज होते हैं, और लेकिन बहुत सिंपल प्रोसेसेस होते हैं। सो वो चिंता मत कीजिए, एक्सेस आपको पूरा रहेगा। थैंक यू रेणुका, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी मोर डिले नाउ। सो हमने यहाँ पर बात की थी स्ट्रक्चरलिज्म, किस तरह से मनोविज्ञान की शुरुआती समझ कैसे हुई थी। सबसे पहले जानने की कोशिश की गई थी कि ये वो दौर था 1800s का, लेट 1800s का, जब ये कोशिश की जा रही थी, जब साइंस जो था काफ़ी ज़ोर से, जो ये प्रक्रिया है विज्ञान का निर्माण, उसका विकास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। ओके ओके ओके, सो जैसे जैसे विज्ञान का विकास जिस तरह से, जिस गति से हो रहा था, उस गति पे ये माना जा रहा था कि सभी विषय जो हैं, जो सबसे ज़्यादा उत्तम श्रेणी का जो भी विषय होगा उसमें वैज्ञानिक तत्व होंगे, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन होगा और अनुभववाद जो है उस पे आधारित होगा, एम्पेरिसिज्म पे आधारित होगा। इसी बात को मानते हुए जो थे अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए और सभी विषयों में कहना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में एक तरह की होड़ लग गई कि सभी में किस प्रकार के वैज्ञानिक तथ्यों का अनुपालन और उसके तत्वों पर आधारित वो विकसित होने लगे। ठीक, अब इसीलिए यहां पर आप अगर हम बात करेंगे तो विलियम मुंड का यहां पे नाम सबसे पहले लिया गया। ठीक, 1879 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या कोई तरीका है जिससे कि हम अपने मन को, है ना, अपनी मानसिकता को वैज्ञानिक रूप से कैसे अध्ययन कर सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन का क्या मतलब है, हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो वैज्ञानिक अध्ययन होंगे उसमें वैज्ञानिक तत्व मौजूद होंगे, वो उसमें एक तरह की व्यवस्थित सूचना होगी, अनुभव पे आधारित होंगे, तथ्यों पे आधारित होंगे। तो ये आधार मानते हुए उन्होंने जानने की कोशिश की। तो ये करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मानसिक प्रक्रियाओं के मूल जो उनके घटक हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, पक्ष हैं, वो कौन से हैं, क्या उन्हें बांटा जा सकता है। उन्होंने आत्मनिरीक्षण विधि का उपयोग किया। उसके बाद आया फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकायवाद, यानी कि ये आधार जो था ये एक तरह के इसकी प्रतिक्रिया के रूप में, प्रतिक्रिया किसकी प्रतिक्रिया के रूप में, संरचनावाद की प्रतिक्रिया, संरचनावाद की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ, जहां पर प्रमुख विचारक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी स्थापना की, विलियम जेम्स। सो विलियम जेम्स ने सबसे पहले ये प्रपोज किया कि केवल हमारे अपने मानसिकता की अलग अलग घटक, अलग अलग उसकी छवियां, उससे जुड़े हमारे विचारों को अलग अलग बांट कर आत्मनिरीक्षण करके जानना ही केवल उपयोगी नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका क्या है हमारे व्यवहारों में, हमारी सोच में, उसकी भूमिका को जानना भी उतना ही ज्यादा आवश्यक है। तो मनोविज्ञान यहाँ पर, यदि हम मन को पढ़ना चाहते हैं, मन को जानना चाहते हैं, जो कि हमारे व्यवहारों का आधार है, जिसके आधार पर हम व्यवहारिक प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो जानने के लिए सबसे पहले हमें इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं की उपयोगिता को जानना होगा, उसकी भूमिका को जानना होगा। और उसकी भूमिका को जानने के लिए क्या देखना होगा कि एक व्यक्ति किस तरह से अनुकूलन बनाता है, अडैप्टेशन करता है, व्यक्ति किस तरह से अडैप्ट करता है अपनी अलग अलग परिस्थिति में। ठीक, ये विलियम जेम्स ने बात कही। उसके बाद सिगमंड फ्रॉयड, ठीक, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हम कहें तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सिगमंड फ्रॉयड, जो कि एक जो थे पेशे से डॉक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले लोगों के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, ही वाज अ डॉक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी, उन्होंने उसे जानने के लिए सबसे पहले क्या जानने की कोशिश की कि ऐसे लोगों के ऐसे अनुभव जो थे, ऐसे लोगों को शारीरिक तकलीफ की अनुभूति हुई जिसका कोई भी कहना चाहिए ऑर्गेनिक बेसिस नहीं था। तो उन्होंने ये जांचने के लिए लोगों के अनुभव जानने का प्रयास किया। ठीक, और इसका विचार का, जिसे मनोविश्लेषण की विचारधारा कहा जाता है, इसमें क्या किया जाता है, प्रमुख रूप से अनकॉन्शियस, है ना, अचेतन प्रक्रियाओं को आधार बनाकर जांचने की कोशिश की गई कि उसका क्या प्रभाव आ रहा है। उसके बाद बिहेवियरिज्म में अगर हम बात करें तो 1912 या 13 के आसपास वॉटसन और स्किनर ऐसे प्रमुख विचारवादी थे। सबसे पहले हमने पावलोव के इस जाने माने प्रयोग की बात की, उसके बाद वॉटसन और स्किनर ने प्रमुख रूप से स्थापित किया व्यवहारवाद की विचारधारा को, जिसका मानना क्या था कि जो केवल अवलोकनीय व्यवहार जो है वो ही अध्ययन की इकाई माने जाने चाहिए। इंटरनल मेंटल स्टेट्स, आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं का इसमें कोई विशेष आधार, विशेष भूमिका नहीं होती। और इसीलिए साथ ही साथ उन्होंने क्या माना कि कुछ भी इन्नेट नहीं होता, व्यक्ति कुछ भी जो है वंशानुक्रम आधारित, उसमें कोई प्रवृत्तियां शामिल नहीं होती। एक व्यक्ति जो भी अधिगम करता है, जो भी सीखता है, वो सब के सब वातावरण से अंत्य क्रियाओं के बाद सीखता है, यानी कि इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से व्यक्ति इंटरैक्ट करता है, उसी आधार पे उस इंटरैक्शन से व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त होता है या दंड, लाभ प्राप्त होता है या किसी प्रकार की हानि। उस लाभ और हानि के परिणाम स्वरूप ही एक व्यक्ति अपने लिए एक सीख निर्मित करता है, सीखता है, किसी व्यवहार को बढ़ाता है या किसी व्यवहार को घटाता है। तो ये व्यवहारवाद का एक मूल जो था, जिसे आप कहते हैं बुनियादी विचार, ये माना गया। उसके बाद अब हमने बात की दो प्रमुख शक्तियों की। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, मनोविश्लेषण जो कि सिगमंड फ्रॉयड के विचारधारा है, एना फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड, जिन्होंने पूरी तरह से अचेतन को प्राथमिकता दी, अचेतन विचारों को प्राथमिकता दी। उन्हीं का ये मानना है कि मनोविश्लेषण का विचार जो है वो प्रथम शक्ति माना जाता है। क्या माना जाता है? फर्स्ट फोर्स। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इस तरह के। तो मनोविश्लेषण जो है वो फर्स्ट फोर्स है, व्यवहारवाद आपकी सेकंड फोर्स है, द्वितीय शक्ति इसे माना गया है। द्वितीय शक्ति ये बिल्कुल ही विपरीत विचार कह रही है ना। ये कह रही है कि अचेतन कुछ नहीं होता, जो भी है स्पष्ट है, व्यक्त है और अवलोकनीय है, और यही व्यवहारवाद की बुनियादी विचार है। उसके बाद आई गेस्टॉल्ट अप्रोच। ठीक, गेस्टॉल्ट अप्रोच भी 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान ही निर्मित होती दिखाई दी। गेस्टॉल्ट का एक जर्मन विचारधारा है, जर्मनी में इसका उद्गम हुआ और जर्मनी में इसकी जो शुरुआत हुई वो बर्टहाइमर, कोलर और कॉफका द्वारा की गई। अब गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या होता है? संपूर्णता। किसी भी वस्तु को, किसी भी एक पक्ष को आप केवल उसे अलग करके नहीं समझ सकते, जितना कि आप उसे संपूर्णता में समझ सकते हैं। तो अ कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म, होलिज्म की थ्योरी से बोला जाता है, यानी कि संपूर्णता। अब इस संपूर्णता के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या माना गया? ये माना गया, ये भी एक तरह से इसके विरोध में उत्पन्न हुआ। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो थी वो एक प्रकार से क्या थी? वो एक तरह से संरचनावाद के ही विरोध में इसकी उत्पत्ति हुई। संरचनावाद किस तरह से कहता है? संरचनावाद प्रकायवाद जो था, जो कि उपयोगिता और अनुकूलन को आधार मानता था, लेकिन संरचनावाद जो था वो मूल पक्षों को अलग अलग करके, रिडक्शनिज्म उसकी अप्रोच थी, यानी कि उसे न्यूनतम करना, उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखी गई थी। साउंड कम आ रहा है, साउंड का मैं क्या कर सकती हूं, मैं देखती हूं। साउंड कम है क्या? एक बार वॉल्यूम इंक्रीज करने की अपने एंड पे कोशिश कीजिएगा। साउंड यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। सो जब हम बात करते हैं गेस्टॉल्ट की तो हमेशा यहाँ पे आधार क्या है, संपूर्णता में चीज़ों को देखना। जैसे कि आप देखते हैं 5 फिनोमिना क्या होता है, किसी भी तरह का दृष्टि भ्रम क्या होता है, इल्यूजन जिसे आप कहते हैं, तो यहाँ पर परसेप्शन एक व्यक्ति क्या परसीव करता है, जो भी सूचना प्राप्त करता है उसको एक संयुक्त रूप से उसको कैसे एक दूसरे के साथ सूचना की अलग अलग इकाइयों को जोड़ता है और उनके योग से एक नया अर्थ का निर्माण होता है। नए रूप से किसी भी वस्तु को समझा जाता है, उसका प्रत्यक्षीकरण, एक नई धारणा बनती है जो एक संपूर्ण सूचना के आधार पे बनती है, संपूर्ण छवि के आधार पे बनती है। इसी को गेस्टॉल्टिज्म कहा जाता है, आ जाता है गेस्टॉल्टिज्म। सो क्या होती है इसमें, होलिस्टिक प्रोसेसिंग होती है और एक नए तरीके से सूचना का व्यवस्थीकरण होता है, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज ऐसे किया जाता है कि संपूर्ण रूप से एक नई धारणा का निर्माण हो सके। राइट, अब इसके बाद ये 2 प्रमुख विचारधाराएं थी। गेस्टॉल्टिज्म में धारणा के आधार पे बात होती थी कि किस तरह से परसेप्शन जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, हम सूचना का कैसे उसको प्रसंस्करण, सूचना का किस तरह से करते हैं जिससे कि हम संपूर्ण धारणा का निर्माण कर सके। उसके बाद एक अहम विचारधारा सामने आई 1950 के दशक में, जिसे तीसरी शक्ति के नाम से जाना जाता है, वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, मानवतावादी विचारधारा, जिसमें इब्राहिम मास्लो और कार्ल रॉजर्स जो थे इसके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। ठीक, और इनका आधार मूल रूप से क्या माना रहा है, इनका आधार सबसे अलग अप्रोच, इसमें खास बात, बुनियादी विचार मानवतावादियों का क्या रहा है कि यहाँ पर जो केंद्र है विचार का, अध्ययन का, वो किसी भी प्रकार का मनोविकार नहीं है, है ना, किसी भी प्रकार की एबनॉर्मैलिटी, असामान्यता या मानसिक विकारों पे केंद्र अध्ययन का नहीं है, बल्कि यहाँ पर व्यक्ति के सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचने की प्रगति, व्यक्ति की आत्म प्रगति और उसके आत्म उत्थान को केंद्र बनाकर बात की गई है। तो ये दृष्टिकोण किस आधार पे व्यक्ति की जांच करता है, व्यक्ति को समझने का प्रयास करता है, व्यवहारों को समझने का प्रयास किस आधार पे किया जाता है, वो आधार क्या है, वो आधार है कि व्यक्ति के को आत्मनियंत्रित समझना, व्यक्ति को फुल्ली फंक्शनिंग, पूर्ण रूप से कार्यरत होना, जहां पर एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं के बारे में पूर्ण रूप से अवगत होता है, वो अपनी आवश्यकताओं को लेकर पूरी तरह से जागरूक होता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए सचेत रूप से अग्रसर होता है और बहुत ही ज़्यादा निर्णायक रूप से आगे बढ़ता है। तो ये एक व्यक्ति को पूरी तरह से अपने जीवन के नियंत्रण में मानता है, ये विचारधारा मानवतावादियों की। साथ ही साथ वो ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है उसमें एक फ्री विल है, आत्मिच्छा, स्वेच्छा से वो अपनी प्रगति, अपने विकास की ओर आगे बढ़ता है और वो अपनी परिस्थिति के पूर्ण नियंत्रण में है, यानी कि द पर्सन इज फुली इन कंट्रोल। तो व्यक्ति यहाँ पर अपनी परिस्थिति के अधीन नहीं है, किसी भी पुरस्कार के या दंड के अधीन नहीं है, अपनी अचेतन विचारों के अधीन नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति पूरी सचेत जागरूकता में निर्णय लेता है और अपने आप को अपने इष्टतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपनी आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से सचेत रहता है, अपने आप को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने के लिए सबसे अच्छी क्षमताओं के विकास के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। ये बहुत ही अलग प्रकार का विचार प्रस्तुत किया मानवतावादियों ने 1950 के दशक में, और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की अप्रोच, मनोविज्ञान का मूल आधार यहाँ पर व्यक्ति की कमियों को जानने का नहीं है या उसके विकारों का आधार या उसके कारण पता लगाने का नहीं है, बल्कि ये जांचने का है कि वो किस तरह से अपने आप को और बेहतर बना सकता है या अपने आत्म साक्षात्कार को किस तरह से प्राप्त कर सकता है। राइट, तो इस मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत क्या बात कही गई? पर्सनल ग्रोथ की, आत्म विकास की। आत्म प्रगति, आत्म विकास, ये मूल आधार था मानवतावादियों का। ठीक, इसमें मूल रूप से क्या थ्योरीज है? देखिए, हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का पदानुक्रम, जो कि एब्राहम मास्लो ने थ्योरी दी, उस पे भी हम बात करेंगे। उसके आगे चरम अनुभवों की बात की, पीक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जो एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, चरम अनुभव क्या होंगे। साथ ही साथ फुली फंक्शनिंग, एक व्यक्ति पूर्ण रूप से कार्यरत किस प्रकार से बन सकता है। ठीक, तो यहाँ पे व्यक्ति के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर व्यक्ति क्या है, यहाँ पर इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, व्यक्ति का व्यक्तिपरक अनुभव जो है वो, और उसकी क्षमता, उसका कौशल, वो अपने किस उच्चतम स्तर तक, इष्टतम स्तर तक पहुंचने के योग्य है, उसमें क्या योग्यता है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ये इसका आधार रहा। उसके बाद बात करते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। उल्रिक नीजर जो है, इसके उल्रिक नीजर इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो ये प्रमुख रूप से 1960 के दशक में इसका विकास देखा गया। क्या आधार यहाँ पे माना गया कि कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं हैं? यहाँ पर वापस जो केंद्र था वो आया मानसिक प्रक्रियाओं पे, लेकिन अब उनको अलग अलग करके देखने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि संरचनावादियों द्वारा किया गया था। संरचनाओं को और उसके अलग अलग तत्वों को पढ़ना, उनको समझने पे केंद्र नहीं था। अब केंद्र था प्रक्रियाओं को जानना, प्रक्रियाएं किस तरह से संपूर्ण रूप से एक कार्य करती हैं, उपयोगी रहती हैं, उनको कैसे वो व्यवहार को उनके निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं, जैसे कि सोचने की प्रक्रिया, चिंतन प्रक्रिया, प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया, पुनः प्राप्ति और अधिगम की प्रक्रिया। ठीक है, सो लर्निंग, रिमेम्बरिंग, परसीविंग, थिंकिंग, ये सब हमारे मेंटल प्रोसेसेस जो हैं, मेमोरी, स्मृति की, समस्या समाधान की, ये सभी में, इन सभी कार्यों में, इन सभी लक्ष्यों में कौन कौन सी अंतर्निहित प्रक्रियाएं हैं जिनके योग से हम कोई भी सूचना का प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करने में संभव होते हैं, वो जानने के लिए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो था वो विकसित हुआ। मूल रूप से क्या विचारधारा थी यहाँ पर? मूल विचारधारा यहाँ पर ये रखी गई, जिस प्रकार उस समय पर देखा गया कि कंप्यूटर का आविष्कार उस समय पर हुआ, कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा जो थी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी, और कंप्यूटर जिस तरह से सूचना का तेजी से प्रसंस्करण करता था, उन्हीं मॉडल्स के आधार पे जाने की कोशिश की गई कि मानवीय मस्तिष्क किस तरह से सूचना का प्रसंस्करण करता है। और इसीलिए संज्ञानात्मक जो पक्ष है मनोविज्ञान का, वो बहुत प्रबल रूप से आगे आकर बढ़ने लगा। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की गई कि बच्चे किस प्रकार से विकसित होते हैं, तो उनमें एक अवधारणा का निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से बच्चे अपनी धारणाएं अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग संकल्पनाएं बनाते हैं, उस आधार पे आगे चल के वो अवधारणा का निर्माण करते हैं। ऐसे विचारों में प्रबल जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसमें कार्य किया वो थे पियाजे और वाइगॉट्स्की, है ना। इनके भी सिद्धांत हम आगे चल के करने वाले हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वापस से केंद्र कहाँ पर लेकर आया, विषय का मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र वापस से कहाँ पर आ गया, मानसिक प्रक्रियाओं के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ सोशल साइकोलॉजी जो एक सामाजिक मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है, विशेष रूप से इसमें शुरुआत जो पायनियरिंग वर्क था, जो शुरुआती कार्य था, वो कर्ट ल्यूइन ने किया। कर्ट ल्यूइन ने 1930 के दशक में सामाजिक रूप से खासकर सोशल फैसिलिटेशन पे उन्होंने जांचने की कोशिश की गई। साथ ही साथ साथ ही साथ उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अलग अलग तरह के द्वंद किस तरह के होते हैं, किस तरह से वातावरण का योगदान होता है व्यवहार की उत्पत्ति में, ये जानने की कोशिश जो थी कर्ट ल्यूइन ने अपनी फील्ड थ्योरी के जरिए की, ठीक। और ये जानने की कोशिश की किस तरह से सामाजिक अंतःक्रियाएं जो हैं वो अन्य लोगों की उपस्थिति से प्रभावित होती हैं, किस तरह से हमारा व्यवहार अन्य लोगों की उपस्थिति में प्रभावित होता है। सो बेसिकली उसका फोकस क्या है कि सामाजिक रूप से हम किस तरह से हमारा व्यवहार एक सामाजिक परिस्थिति में प्रभावित होता है, उसमें वृद्धि और कमी किन परिस्थितियों में देखी जाती है, कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। उसके बाद ये देखा गया बायोसाइकोलॉजी, जिसे आप क्या कहते हैं, बिहेवियरल न्यूरोसाइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये भी एक तरह की आधुनिक विषय है मनोविज्ञान का, जिसमें मूल रूप से बायोलॉजिकली, है ना, जब जैसे जैसे जीव विज्ञान में विकास देखा गया वैसे वैसे ये जानने का प्रयास किया गया किस तरह से मनुष्य का कि जो संरचनाएं हैं, मस्तिष्क की संरचनाएं, हमारा ब्रेन के स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं। उसके अलावा ये जानने की कोशिश की गई कि हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनका मूल कार्य क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, क्या भूमिका वो निभाते हैं, किस तरह से हमारा व्यवहार तंत्रिका तंत्र की क्रिया से प्रभावित होता है। सो जैविक भाग को यहाँ पर अध्ययन किया गया, ठीक। तो जब आप जैविक भाग को जानने की कोशिश करते हैं तो मूल रूप से हम इसमें क्या देखते हैं, बायोसाइकोलॉजी इसे कहा जाता है। राइट, तो ये है हमारी बेसिक अप्रोचेस। So these are our basic approaches, और इन approaches के अलावा we will also talk about very briefly today, but हम next class में इनको और detail में बात करेंगे। Scope यानी कि इसका दायरा क्या है, दायरा या scope क्या है, scope of psychology, ठीक है। तो अगर आप मनोविज्ञान विषय की बात करें, इसका दायरा क्या है, काफी ज्यादा विस्तृत है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये बेसिकली दायरा किससे तय होता है, दायरा तय होता है किन किन विषयों के साथ, किन विषयों से संबंध रखता है। किन क्षेत्रों में, मनोविज्ञान विषय की अहम उपयोगिता पाई गई है। अब जब आप उपयोगिता की बात करते हैं या विषय के विस्तार की बात करते हैं तो इसको आप दो भागों में हम इसको जान सकते हैं। तो दायरे के दो भाग हमारे क्या रहेंगे, इसको भी हम आने वाली क्लास में, कल की क्लास में कवर करने वाले हैं। एक है आपका मूल क्षेत्र और दूसरे हैं अप्लाइड। मूल क्षेत्र कौन से होते हैं, जहां पर आप उसको स्टडी करते हैं, जो बेसिकली आपको मनोविज्ञान के आधार को पहचानने में सहायता देते हैं। ठीक, जैसे कि क्या होता है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो सामान्य मनोविज्ञान क्या है, ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, सोशल साइकोलॉजी क्या है, फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है जिसे आप प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का क्या मतलब है, असामान्य, असामान्य जो कि एक जैसे जिसमें आप अलग अलग प्रकार के मनोदोष, मनोविकारों का अध्ययन करते हैं। ये सब प्योर साइकोलॉजी के पार्ट्स में पहचाना जाता है। फिर आता है अप्लाइड साइकोलॉजी के भाग, जिसे आप क्या बोलते हैं, जो लागू योग्य होते हैं, जिन्हें की विशेष क्षेत्रों में उपयोगिता आधारित है ना, इनकी कोई उपयोगिता आधारित इनका अध्ययन किया जाता है। ये किस किस क्षेत्रों में देखे जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, नैदानिक, फिर संगठन के क्षेत्र में, उसके अलावा सेना में, सेना मनोविज्ञान, फिर इसको आप देखते हैं राजनैतिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में, और फिर इसके अलावा फोरेंसिक, फोरेंसिक या क्रिमिनल साइकोलॉजी। फोरेंसिक क्या होती है, जो भी किसी भी तरह के प्रमाण की जांच करना, प्रमाणों की, सबूतों की जांच करना, जो कि लीगल साइकोलॉजी का ही एक, आप उसे ब्रांच मान सकते हैं, पक्ष मान सकते हैं। लीगल साइकोलॉजी से ही जुड़ा होता है, क्रिमिनल साइकोलॉजी से भी इसका पहचान की जाती है, अपराधी का मनोविज्ञान, अपराधी के मनोविज्ञान को जांचने के लिए। तो ये अप्लाइड साइकोलॉजी के विशेष क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, इनका विस्तार हम अगली क्लास में जल्दी करेंगे, सो जुड़िएगा जरूर नेक्स्ट क्लास में। और जो भी आपकी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, प्लीज डू नॉट फील लेफ्ट आउट इन एनी वे। इन डिफिकल्टीज को जल्दी एड्रेस कर लिया जाएगा। हमारी टेक्निकल टीम ऑलरेडी इस काम पर लगी हुई है और जल्दी आपसे संपर्क भी करेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।